चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां हिमाचल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत हुई है। 40 विधायकों वाली कांग्रेस को सिर्फ 34 वोट मिले हैं। हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर संकट गहरा गया है। जयराम ठाकुर ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी सामने रख दी है। बीजेपी कल राज्यसभा राज्यपाल से मुलाकात करेगी, तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कल बीजेपी की तरफ से राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी। जयराम ठाकुर ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी कही है। हर्ष महाजन को जीत मिली है। हिमाचल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत हुई है और 40 विधायकों वाली कांग्रेस को सिर्फ 34 वोट ही मिल पाए हैं। हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर संकट गहरा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जयराम ठाकुर ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे बीजेपी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप जी, जयराम ठाकुर ने कहा है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, हर्ष महाजन की जीत हुई है, कांग्रेस पर संकट एक बार फिर से गहरा गया है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जहां सरकार कांग्रेस की और उत्तर भारत में इकलौती सरकार है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की, लेकिन ये संकट अब ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। जब पहले तो कमल के जो खास तौर से सेंध लगाई कांग्रेस खेमे में, कमल यानी बीजेपी ने, बीजेपी की रणनीति वो कामयाब रही और हर्ष महाजन जिनको उम्मीदवार बनाया गया, समर्थित उम्मीदवार, उन्होंने अप्रत्याशित जीत हासिल की है। किस्मत से भी हरजय सिंह भी यानी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता और कानूनविद अभिषेक मनु सिंघवी, इस चुनावी मुकाबले में उम्मीदवार उनको कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन अप्रत्याशित हार हुई है यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी की, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद यहाँ पर पूरा गेम पलट गया। लिहाजा अब जो है सरकार पर संकट की बात की जा रही है इस अप्रत्याशित परिणाम के बाद, क्योंकि हर्ष महाजन की जीत हुई है जो बीजेपी समर्थित और जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उनके करीबी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कांग्रेस नेता रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, उनका समर्थन किया था। तो एक अप्रत्याशित चुनावी मुकाबला हिमाचल की राजनीति में देखने को मिला है और अब चर्चाएं हैं कि हिमाचल में संकट गहराएगा, क्योंकि सरकार को यहाँ पर खतरा हो सकता है। अभी भी 6 विधायक लापता हैं, ये दावा किया है मुख्यमंत्री ने और उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनको पंचकुला ले जाया गया है और हरियाणा पुलिस के संरक्षण में उनको ले जाया गया है, तो एक बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। फिलहाल पूरा घटनाक्रम बदला हुआ हिमाचल की राजनीति में और कल अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है, अल्पमत में आ गई। बिल्कुल प्रदीप जी, इस दौरान कल अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है, साथ ही राज्यपाल से भी मुलाकात की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। देखिए बिल्कुल, और घटनाक्रम बदला हुआ है, लिहाजा बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर अब एक बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक तौर पर ये इसलिए भी अहम क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजना है और उससे पहले हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ पर सरकार यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हुआ स्थिर होती नजर आ रही है, तो एक चुनौती पेश कर रही है यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए। लिहाजा उनके पास मौका है, वो इसके बहाने राज्यसभा का जो रिजल्ट आया है अब सरकार के लिए चुनौती पेश करें, लिहाजा वो अविश्वास प्रस्ताव और इसके जरिए एक ताकत दिखाने की कोशिश उनकी रहेगी। 25 विधायक उनके चुनकर आए थे, लेकिन एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए आत्मसमर्पण का समय है और उनके लिए ये चिंता की बात है कि उनकी सरकार अब यहाँ पर निशाने पर आ गई है इस राज्यसभा चुनाव के मुकाबले के साथ ही। ये भी एक बात काबिले गौर है कि खुद मुख्यमंत्री ने निमंत्रण दिया था कि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, वो आश्वस्त थे, लेकिन अचानक घटनाक्रम बदला। ये भी कहा जा रहा है कि भीतर घात हुई है और इसीलिए ये पूरा घटनाक्रम बदला है। खुद मुख्यमंत्री के खिलाफ माहौल था वहाँ पर, ये खुद प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर प्रतिभा सिंह कहती नजर आई है, तो वो दावेदार नहीं है मुख्यमंत्री पद के, लेकिन बदले हालात में अब समीकरण बदले हैं और निश्चित तौर पर हिमाचल सरकार के लिए ये टेंशन बढ़ाने वाला रिजल्ट है, उनके लिए संकट पैदा हो गया है। आने वाले घटनाक्रम को देखना होगा किस तरीके से ये पल पल बदलता है, क्योंकि कल का घटनाक्रम और उसके बाद बीजेपी की अगली क्या रणनीति होगी निश्चित तौर पर वो मुश्किलें बढ़ाती नजर आएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।